दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरोध करे। तो विपक्ष कह रहा है देखो देखो सरकार बनने के 2 महीने में इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं, पर दुनिया के इतिहास में ये पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है, ना गद्दारी करेंगे ना किसी को करने देंगे। बचपन से घर में मां बाप ने ईमानदारी के संस्कार दिए हैं, ये जो हमने किया है ये करने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कट्टर ईमानदार सरकार दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी थोड़ी तो करप्शन करनी पड़ती है, थोड़ी तो गड़बड़ करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से भी चल सकती है। भारतीय राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत बहुत दूषित हो गई है। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुआत है, ईमानदारी और देशभक्ति की शुरुआत, एक सुनहरा भारत बनाने की शुरुआत। भारत माता की जय, जय हिंद। विजय सिंगला की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुझे भगवान मान पर गर्व है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।